हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। तो फ्रेंड, आज है संडे और आज हम देखेंगे गार्डन में क्या क्या चल रहा है, कैसे पौधे क्या रंग ला रहे हैं। तो एक नज़र डालते हैं हमारे सभी पौधों पे। आप देख सकते हो मैंने ये मटके रखे, एक के ऊपर एक टावर जैसा बनाने की कोशिश की है। और इधर भी गुलदाउदी में रौनक आई हुई है। इधर मैंने सारे गुलदाउदी को रख दिया है एक तरफ, क्योंकि इधर ज़्यादा धूप नहीं आती है, अभी खिल रही है गुलदाउदी। तो जो फूल वाले पौधे होते हैं जो धूप में खिलते हैं, उनको मैंने इस साइड कर दिया है। और इधर कम धूप आती है तो इधर मैंने सभी गुलदाउदी सेवंती को रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से खिल रहे, एकदम गेंदा के फूल होते वैसे ही ये वेराइटी निकली है। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये एक वैरायटी है, देख सकते हो आप, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये ऐसे एकदम डार्क रेड जैसे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे। और देख सकते हो आप ये पिंक डबल पैटर्न वाला देसी बसकस में भी बहुत अच्छे से कलियाँ बनी हुई है। और ये रंगून क्रीपर की वाइन ऊपर चढ़ी है, नीचे लगाई है मैंने, ऊपर तक आ गई है। और इधर भी अभी खिल रहे हैं, ये वाइट वाली है, देख सकते हो, देसी है ये, बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है इसमें। और बहुत बड़े बड़े फूल हुए हैं इसमें भी, बहुत अच्छी लगती है ये भी। और जो भी शादियों में वगैरह वो लगाते हैं ना, हार बनाते हैं बालों में लगाने के लिए, तो वही देसी सेवंती का ही बनाते हैं, बहुत खुशबू होती है उसमें। और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है सेवंती। एक ही पौधा है, इतने सारे फूल खिले हैं एक ही पौधे पे, मैंने रस्सी से बांध के रखा है नीचे, ज़्यादा हिल रहे थे इधर उधर, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। बीच में पीले कलर का है कुछ डॉट डॉट से, तो बहुत खूबसूरत दिख रही है ये भी। जब हम लगाते सेव करते तो हम पता नहीं होता है कौन कौन से कलर है। अभी दिख रहे हैं कुछ कलर लिए भी है मैंने, कल आपको दिखाए भी थे मैंने। अभी देखती हूँ वो 20 साल सेव हो जाएंगे तो अगले साल और नए कलर आ जाएंगे गुलदाउदी में। और इधर भी मैंने छोटी छोटी कटिंग कहीं भी लगा दी थी, वो भी ग्रो कर गई और फूल भी आ गए। और ये गेंदा का छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा वो फूल तो नहीं दिख रहा है, और बहुत सारी कलियाँ भी आई हुई है। ये सभी गेंदे कटिंग से ही लगाए हैं मैंने, और अभी जगह ना होने के कारण मैंने इस साइड रखे हैं। ये देखिए इधर भी सारी गुलदाउदी है। और जो पीछे से लगाई थी मैंने, मतलब लास्ट में कटिंग लगाई थी गुलदाउदी की, तो वो अभी छोटी छोटी है, कलियाँ बन रही है, तो मैंने भी इस साइड रखी है। और ये देख सकते हो पूरे राउंड में एक ही वेराइटी के सेवंती गुलदाउदी लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है ये टावर भी। और ये मटके में मैंने लगाए देसी सेवंती वाइट कलर वाली, तो ये बहुत ही लेंथी हो गई है, बांध के तो रखा है मैंने, पर बहुत ही, ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा फूल खिले हैं इसमें, पर ये ऐसे खड़े नहीं रहती। और अभी स्टिक लगाऊँ कैसे, वही सोच रही हूँ मैं। इधर उधर हो गई है ये सब, देख सकते हो कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है, ये भी बहुत बड़े बड़े फ्लावर है। देख सकते हो आप इधर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये राउंड में, एक ही कलर हो गया तो। और इधर भी गुलदाउदी है, और ये देख सकते हो ये टेक्सास, अभी इसका फ्लावरिंग का वक्त है तो मैंने इसे धूप में निकाला है। और ये भी देखिए ये मल्टी कलर वाली पत्तियाँ, ये भी हिबिस्कस मैंने कटिंग से लगाया था और भूसी भी हो गया, इसमें भी कलियाँ बन रही थी पर इसको मैंने छाँव में रख दिया था, धूप नहीं मिल रही थी। और ये देखिए टमाटर, मैंने कल परसों ही हार्वेस्टिंग की है टमाटर, और भी बने हुए हैं बहुत अच्छे से, ये देख सकते हो आप।
ये देसी गुलदाउदी है सेवंती, इसे ठीक से अगर स्टिक से वगैरह बांधो तो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छे से खुशबू भी आती है इसमें और बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं इसमें। ये देखिए पिटूनिया में कितना बड़ा फ्लावर, मैंने इसके सारे फूल कलियाँ तोड़ दी थी ताकि ये पौधा अच्छे से भूसी बन सके। और इधर देखिए ये मेरा आम का पौधा बढ़ चुका है अच्छे से, शायद इस गर्मियों में फल आ जाए, आम लग जाए। और इसमें ही मैंने लगाए सिंगोनियम भी है इसी टब में, और गुड़हल भी है। और ये देखिए दो टब है इसमें, ये छोटे वाले, तो इनमें भी गुलदाउदी लगाई है मैंने, ये भी अच्छी दिख रही है। और आज नहीं खिला है ये पंचमुखी हिबिस्कस, कल खिला था। और इधर देख सकते हो आप दो पौधे पंचमुखी के, ये भी नहीं खिला। और उस साइड में देसी हिबिस्कस है, और रात रानी का पौधा मैंने वो दीवार की तरफ कर दिया है, और मतलब मैंने सेटिंग ही कर दी है अपने गमलों की इधर उधर, जो धूप जिनको धूप की ज़रूरत है उन्हें धूप में रखा है, और जिस साइड धूप नहीं आती है उस साइड मैंने गुलदाउदी को रख दिया है। अब उन गुलदाउदी को जो खिले हुए पौधे हैं उनको धूप की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो इधर ये हिबिस्कस है पर्पल वाला, और इधर ये जेट्रोपा पे भी फ्लावरिंग हो रही है। और नीचे मैंने पपई पपीता के वो पेड़ के नीचे जगह थी तो वहाँ भी मैंने गुलदाउदी लगाई, तो वो भी फ्लावरिंग कर रही है। और ये देखिए गलाडिया के बीज डाले थे मैंने, वो भी उगाए हैं। और इधर सारे देसी हिबिस्कस है। और ये देखिए पर्सलिन भी लगाया हुआ है, मैंने ऐसे कटिंग डाल के रख दी थी सेव करने के लिए, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और ये हिबिस्कस भी, और ये देखिए पिंक कलर का गुलाब का फूल, ये भी छाव में था तो कलिया ऐसे खराब हो गई। और ये वाइट गुलाब की बेल है, आप देखना आपने देखा होगा कलियाँ भी बन चुकी है इसमें, न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हुई है, मैंने इसकी कटिंग की थी। और ये पिंक, ये भी एक, और ये देखिए एक जोड़ा, और ये पेंटास की कटिंग लगाई थी, फ्लावर भी आ रहे हैं। और इधर भी हाइब्रिड हिबिस्कस है, अभी कलियाँ बन रही है, रोज एक एक खिलता ही रहता है, आप देख सकते हो कलियाँ भी बनी हुई है। और इधर ये ऑरेंज का कलर का है गुड़हल, और ये कलांचो में अभी कलियाँ बन रही हैं, देसी कलांचो है, इसकी भी तीन चार कटिंग बना ली है मैंने। और ये गजानिया देख सकते हो आप, इतने अच्छे से फ्लावर कर रहा है। तो इस तरह से ये मेरा गार्डन है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।